टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन जब ऐड होता है तो बात कुछ अलग होती है। तो मैंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है। हालांकि उसी छोटे से प्रोजेक्ट के सीढ़ियों पे चढ़कर मैं लगभग 3 देशों की यात्रा कर चुका। अभी मैं अमेरिका से लौटा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट था कार्टून एंड कॉमिक्स से टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग करें, वो भी डिजिटल कॉमिक्स और डिजिटल कार्टून से। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी में। आज जो हमारे अतिथि हैं वो हैं संतोष कुमार बिसेन जी। संतोष कुमार जी पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने ICT, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल आर्ट, कार्टूनिंग के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों में एक अलग ही तरह का शिक्षा के प्रति उत्साह जागरूक किया है और इनके काम को अमिताभ बच्चन जी द्वारा भी सराहा गया है। संतोष कुमार जी को कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और 2 बार इन्हें हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे स्वर्गवासी श्री प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा भी इन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और कई बार इन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो जापान में हो, ब्राज़ील में हो, अमेरिका में हो या अन्य देशों में हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संतोष कुमार बिसेन जी के साथ हमारा आज का सेशन। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डिजिटल टीचर की कहानी में। धन्यवाद निमिषा जी। सर अगर आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें। मैं संतोष कुमार बिसेन, आपने नाम बता दिया मेरा। मैं टीचिंग के क्षेत्र में लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने स्टार्ट किया था प्राइमरी टीचर से। प्राइमरी टीचर्स के बाद मैंने प्राइमरी टीचर फिर मिडिल स्कूल भी पढ़ाया, मैंने हाई स्कूल, इवन मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है। कॉलेज में तो बहुत कम से मैं 2 साल तक पढ़ाया मैंने। मुख्य रूप से मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है वो स्कूल एजुकेशन में रहा है और स्कूल एजुकेशन में मैं केंद्रीय विद्यालय में मैंने काम किया है, नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में 1990 से अब तक मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो नवोदय विद्यालय में लंबा अनुभव है, लगभग 30 साल मुझे नवोदय विद्यालय में काम करते होंगे। मैं बेसिकली साइंस टीचर और अभी बायोलॉजी लेक्चरर हूँ, PGT हूँ। ये मेरी छोटी सी जर्नी है। तो अगर हम एक शिफ्ट की बात करें कि जो एक शिक्षा के क्षेत्र में पूरा एक शिफ्ट आया है धीरे धीरे, देखिए आप गुरुकुल से फिर स्कूल्स और फिर मिशनरी स्कूल्स और जिस तरीके से बेंचेस का सिस्टम, और आप क्योंकि इतने सालों से हैं, और जब मैं 8th क्लास में थी तब हमने देखा था कि स्मार्ट क्लास वाली वो चीज आई थी, और अब जब हम देख रहे हैं ये गूगल मीट, जूम, ये सब एक अलग, तो जो हम देख रहे हैं इतना जल्दी जल्दी बदलाव हुआ है, तो अगर हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर अगर आप थोड़ा हम बात करें तो। मैं 1990 में जब नवोदय विद्यालय में जब नौकरी मैंने पाई तो कंप्यूटर का एक 486 मॉडल हुआ करता था, उसमें ये माउस नहीं होता था, ये माउस नहीं था उसमें, उसमें कीबोर्ड ही होता था और कुछ कमांड वेज, आप जानती हैं कमांड वेज जो कुछ होते थे उसके बाद उतना ही था। उसके बाद में धीमे धीमे जब शिफ्ट हुआ और कंप्यूटर आने लगे, हमने सुना कि नहीं अब तो शायद एक माउस जैसी कोई चीज आ रही है, फिर धीमे धीमे बढ़ता गया उसका उपयोग। मुझे अच्छे से याद है कि पहले ब्लैक चौक एंड टॉक पे मैं पढ़ा रहा था तो आइडियाज की जब बात की ना आइडियाज तो बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है कि आइडियाज बड़ी चीज है, टेक्नोलॉजी उसके बाद में आती है, बिना आइडियाज के टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है। जब तक आइडियाज नहीं, और आइडियाज कौन देगा, टीचर देगा, टीचर के दिमाग की खोज होगी। टेक्नोलॉजी एक टूल है, वो आपको असिस्ट करेगा। तो मैं एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा एग्जांपल देता हूँ कि एक पैनल इंस्पेक्शन हो रहा था और पैनल इंस्पेक्शन में एक इंस्पेक्टर आए, तो मेरे क्लास में एक जो इंस्पेक्टर थे, मेरी जो क्लास वॉच कर रहे थे और मैं बच्चों को पढ़ा रहा था अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो मैंने जो उसमें एग्जाम्पल दिया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था कि जैसे गोबर जो होता है, और गोबर वहां पड़ा हुआ भी था हमारे आसपास, मैं बाहर ठंड का मौसम था और उस ठंड के मौसम में मैंने उनको बच्चों को पत्थर उस गोबर पे डाल के दिखाया और किस तरह से उसमें कप बनता है और कैसे वो इंगल्फ करता है अमीबा,
तो वो उन्होंने उनकी डेथ हो गई, उन्होंने जब अपनी डायरी लिखा था तो डायरी में उन्होंने इस बारे में लिखा हुआ था, उनकी बेटी मुझे बताया कि सर आपके बारे में मेरे पापा ने लिखा है, तो उन्होंने शेयर भी किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो है उस समय तो हमारे पास कुछ था नहीं, मगर अब जो शिफ्ट आया है ना, अब हम जो स्विच ओवर हो गए हम लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे, डेफिनेटली लर्निंग अब भी बहुत अच्छी है, उस समय भी अच्छी थी, मगर आज की दौर में जब टेक्नोलॉजी हमारे साथ फ्यूज हो गई है तो अब लर्निंग का जो लेवल है ना बहुत ऊपर है। ये मैं भी नहीं और किसी दूसरे टीचर को भी इस बात से डिनाई नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते कि लर्निंग पहले थी मगर अब लर्निंग बेटर हो गई, लर्निंग अब बेटर हो गई ये मानना होगा, क्योंकि मैं 30 साल में मैं बता सकता हूं कि लर्निंग का जो लेवल है या लर्निंग का जो टाइमिंग है वो लगता है काफी कम हो गया है और इजी हो गई लर्निंग, इंटरेस्टिंग हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वो कौन से टूल्स हैं, ऐसे वो कौन से माध्यम हैं जिनसे ये सब कुछ मुमकिन हो सका है, क्योंकि इंसान तो वही है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आया है, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं अगर हम बात करें। देखिए अब डिजिटल टूल्स पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने एक वर्ड बोला इनोवेशन है ना जी, अगर हम छोटे से जहां से आईसीटी या डिजिटल टीचर की कहानी स्टार्ट होती है वो हम करीब 15-20 साल पहले पीपीटी का उपयोग हुआ करते थे, तो जहां अब इनोवेशन की बात आई ना कि पीपीटी भी अगर दो टीचर यूज कर रहे हैं और उसमें से दोनों पीपीटी में जब देखते हैं कि अरे ये पीपीटी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और दूसरे टीचर जब पढ़ा रहे हैं पीपीटी से लगता है यार ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्ट तो टूल्स कुछ नहीं है, टूल्स को हम कैसे इनोवेटिवली हम लोग उसको उसका यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बैनर पे मैं ब्राजील अपना एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट में ब्राजील लेकर गया था, और एक बार मैं इसी से कंट्री विनर होकर मैं दूसरी बार साउथ अफ्रीका का जो कैपटाउन शहर है वहां गया था, वो दो कहना चाहिए एक इनोवेटिव उस प्रोग्राम का नाम था वर्ल्ड वाइड इनोवेटिव एजुकेशन फोरम, और उसमें लगभग 178 देशों के टीचर्स वहां सेलेक्ट होके आए थे अपनी अपनी कंट्री से, और मैं यहां से सिलेक्ट होके गया था, 6 लोग सिलेक्ट होके गए थे, हमारा सिलेक्शन एज ए कंट्री विनर या नेशनल विनर मुझे लगता है कि 60-65 हज़ार प्रोजेक्ट में से स्क्रीनिंग होते होते हम लोग यहाँ से 6 लोग गए थे। तो मैं जो जिन दो देशों में हम डेफिनेटली हम लोगों ने वहां एक भारत का झंडा लेकर ही हम लोग गए थे, तो ये सौभाग्य की मतलब एक टीचर जो है टीचर के हाथ में भारत का झंडा आता है तो बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी आदमी के हाथ में भारत का झंडा जब आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां हम नवोदय विद्यालय या हम किसी अपने हम देश के नाम से जाने जाते काम कर रहे थे वहां, तो वो जो दो मेरे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर थे मैंने उसमें सीखा कि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अच्छी है मगर टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन जब एड होता है तो बात कुछ अलग होती है। तो मैंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है, हालांकि उसी छोटे से प्रोजेक्ट के सीढ़ियों पे चढ़कर मैं लगभग 3 देशों की यात्रा कर, अभी मैं अमेरिका से लौटा हूं, और मेरा प्रोजेक्ट था कि हाउ टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग बाय कार्टून्स एंड कॉमिक्स, कार्टून्स एंड कॉमिक्स से टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग करें, वो भी डिजिटल कॉमिक्स और डिजिटल कार्टून से। मैंने जितना भी आज तक काम किया है पूरी तरह से वो कार्टून बेस्ड, डिजिटल कार्टून के बेस पे ही मैंने जब जो कुछ भी किया है, मैं इवन जब अभी मैं फुलब्राइट एक फेलोशिप में सिलेक्ट होके अमेरिका गया 6 महीने के लिए, वहां जब उन्होंने पूछा कि मिस्टर बिसेन ऑन सजेस्ट योर टॉपिक फॉर द इंक्वायरी प्रोजेक्ट है टेल अस अ सिंगल टॉपिक, उन्होंने जब सबको दिया कि चूज योर टॉपिक, इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, योर थिंकिंग, योर सब्जेक्ट एरिया, तो मैंने उनको पता था कि मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि क्या आप वुड यू लाइक टू चेंज दिस टॉपिक, तो मैंने बोला कि नो आई वुड लाइक टू स्टिक विद दिस टॉपिक एंड आई विल अगेन, मैंने उन्होंने बोला कि इस टॉपिक पर ही मैं आगे काम करना चाहता हूँ, और उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने वहां पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिर से 6 महीने मैंने उसी टॉपिक पे रिसर्च किया और डीप में जाके उसको और एक्सप्लोर किया मैंने, तो मैं उसी चीज पे डिजिटल कार्टूनिंग और डिजिटल कॉमिक्स के थ्रू टीचिंग कैसे, और ये केवल साइंस नहीं बायोलॉजी नहीं, सारे के सारे टॉपिक जो हैं
आप इस टूल के मीडियम से के माध्यम से आप बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा उससे हल्का सा चेंज किया था डिजिटल टूल्स में कि आप अपनी टीचिंग में केवल कार्टून और कॉमिक्स नहीं, टोटली विजुअल्स को आप कैसे एक बड़ा मीडियम बना सकते हैं, विजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ डूडल, विजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स, ग्राफिक्स, चार्ट, जितने भी सब चीजें हैं ये विजुअल्स। तो विजुअल्स एक बहुत विजुअल एक बड़ा ही सॉलिड टूल है कंटेंट को या कंटेंट को डिलीवर करने का। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं कार्टून प्रेमी बहुत ज्यादा होता है और कार्टून जो कह रहा है कि वो डोरेमोन गैजेट्स यूज कर रहा है तो उनके दिमाग में रहता है इसके पीछे का साइंस क्या है। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया, और मैं ऐसा पहली बार सोच रही हूँ कि कार्टून से पढ़ाई भी हो सकती है क्या। और मैं आपकी एक फोटो देख रही थी जिसमें आप अपना शायद कोई डिजिटल आर्ट या कार्टून श्री अमिताभ बच्चन जी को भी दिखा रहे थे। तो उनकी चूंकि अब हालांकि मैं टीचर हूँ, अगर ऊपर वाली कृपा से मैं ऐसी ऐसी जगह और ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, मुझे भी पता नहीं था कैसे मुलाकात होगी मगर होगी। और उसके पीछे भी कार्टून ही है, मतलब मैं कार्टून के घोड़े पे सवार होकर सब जगह जा रहा हूँ, है ना। और वो घोड़ा जो कार्टून का जो घोड़ा है वो पंख लगा हुआ घोड़ा है, मुझे सब जगह पहुंचा देता है, है ना। तो उनकी एक टीचर होते हुए मैं एक बात जिक्र करना चाहूंगा, उनकी एक मूवी आ रही है झुंड, एक नागपुर के एक बड़े कहना चाहिए सॉकर कोच हुआ करते थे, उनकी उनके जीवन पर आधारित एक पिक्चर बन चुकी है, सब कुछ डबिंग हो चुकी है, एडिटिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, रिलीज होना बाकी है। तो नागराज मंजुले जो उसके डायरेक्टर हैं, अमिताभ बच्चन साहब की मूवी की शूटिंग शूट चल रहा था नागपुर में, तो उन्होंने इंडिया बड़े ही मतलब क्रिएटिव है नागराज मंजुले साहब के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने इंडिया के और कुछ बाहर के भी मोस्टली इंडिया के करीब 10 या 12 कार्टूनिस्ट के को इन्वाइट किया और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के जीवन पर आधारित कुछ आप करिए। तो मैंने उनके जीवन पर आधारित एक थोड़ा सा एक छोटा सा कैरिकेचर उनका जो है मैंने ड्रॉ किया था। तो मुझे जब इन्विटेशन फोन आया कि अमिताभ बच्चन से आपकी कल मुलाकात है आप आइए, ठीक मुझे लगता है कि 12 घंटा पहले बताया गया था, शायद सिक्योरिटी रीजन से बताया गया होगा जिस भी, क्योंकि वो बहुत भीड़ पसंद नहीं करते। तो मैं मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं शायद ये मजाक है या क्या है, तो मैं फिर भी बोला कि आप बोले कि आप आइए। मैं गया और जिस हॉल में हमें हमारे पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो जब वो अभी मुझे उस समय तक विश्वास नहीं था कि अमिताभ बच्चन शायद हमसे मिलने आ रहे हैं, हमको लगा कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ जो है कुछ चीज है, हमको बोल दिया जाएगा कि नहीं उन्होंने टाइम नहीं दिया है, नहीं ऐसा हो गया वैसा। उसी बीच मैंने देखा कि लंबे से आदमी जो चले बड़े बड़े ट्रक भरते हुए आ रहे हैं, तब हमें लगा अरे वाह। तो उन्होंने मेरे कार्टून को उन्हीं का जो मैंने कैरिकेचर बनाया था, मिनिमम लाइंस मैंने ड्रॉ किया था, और हर आर्टिस्ट को उन्होंने मुझे लगता है कि दो से तीन मिनट दिया था, अमिताभ बच्चन साहब का 2 से 3 मिनट मिलना बहुत एक नेशनल अवार्ड से बड़ी बात है। तो उन्होंने उस कार्टून को पूछा, लगभग 2 मिनट मुझसे बात की, और मजेदार बात उससे बड़ी बात ये हुई कि उसी दिन शाम को उन्होंने अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उतने 12 कार्टूनिस्ट में से केवल 3 कार्टूनिस्ट का जो काम लिया और अपने पर्सनल वॉल पे उन्होंने पोस्ट किया। उनके पर्सनल वॉल पे जाने का मतलब है लगभग उनके साथ 25 करोड़ शायद फॉलोअर्स हैं। तो आप समझ सकती हैं कि एक छोटे से टीचर का काम कितने करोड़ों लोगों तक पहुंच गया उनके वॉल के थ्रू। तो ये देखिए ये वही बात आती, फिर मैं हम टीचिंग पे आते हैं, क्यों अमिताभ बच्चन ने उस एक छोटे से कहना चाहिए कुछ लाइनिंग के कैरिकेचर को कैसे पकड़ा, कैसे केच किया, डेफिनेटली वहां कुछ इनोवेटिव था, कुछ क्रिएटिव था, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि वही क्रिएटिविटी जो है हमारे टीचिंग में भी अगर आ जाए, हमारे टीचिंग में वो इंटरेस्ट आ जाए, क्रिएटिविटी आ जाए, बड़े से बड़े कंटेंट जो है, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट भी जो है उनको बहुत आसानी से जो है लर्निंग, देखिए लर्निंग बहुत ईजी करवाई जा सकती है, है ना। तो मैं बोला कि हमारे बच्चों का लेवल, हम एज ए टीचर जो है, मैं हो सकता हूँ MSc और पता नहीं PhD और क्या क्या हो सकता हूँ, मेरे कंटेंट का लेवल बहुत हाई है, मगर मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल तो बहुत नीचे है ना, है ना। मेरे हाथ आप देख रहे होंगे, उसका लेवल बहुत नीचे है। तो इतना डिफरेंस है टीचर जो डिलीवर कर रहा है और बच्चा जो लर्नर जो है,
तो आपको इसके लेवल का जो जो है ये मेंटेन करने के लिए ये कौन सा टूल है, ये क्रिएटिविटी या इनोवेशन ही है जो आप आपके लेवल को नीचे ले जाता है। विथ सेम कंटेंट यू कैन गो डाउन एट द लेवल ऑफ द लर्नर। तो ये क्रिएटिविटी या इनोवेशन ही है जो आपको क्लासरूम में जो है बच्चों के लेवल तक आप उस कंटेंट को क्रिएटिव तरीके से आप परोस सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं। हम मूवीज की बात कर रहे थे तो ये भी मैंने कहीं पढ़ा है कि जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है उसमें भी आपका कुछ कार्टून वहां पर आया है तो हाँ अगेन एक कार्टून था मेरा और मुझे पता बाद में पता गया कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो एक मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो है मनमोहन सिंह जी उनके जीवन पर आधारित एक मूवी बनी थी जिसमें अनुपम खेर साहब ने मनमोहन सिंह जी का रोल किया था। तो मुझे मेरी बेटी ने बताया कि पापा आपका एक कार्टून उसे ऐसा लग रहा है कि आपका बनाया हुआ है। मैंने नहीं देखा था मूवी रिलीज हो गई थी। रिलीज होने के बाद जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो इंटरवल के बाद शायद कार्टून हुआ था वो फ्लैश होता है तो मेरी बेटी बताया कि पापा वो तो आपका स्ट्रोक है। मैं पकड़ ली मैंने मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ, नहीं बेटा बॉलीवुड की पिक्चर में मेरा कार्टून कैसे आ सकता है। तो बोले कि ऐसा ऐसा करो आप जाओ। तो मैं दूसरे दिन ही मूवी देखने गया तो उन्होंने मेरी बेटी ने बताया था कि इंटरवल के बाद करीब 15-20 मिनट बाद जो वो सीन आता है उस फीचर की जो कहना चाहिए डिमांड स्टोरी की डिमांड होती है तो उसमें जो कार्टून फ्लैश होता है तो अरे मेरा ही कार्टून। मैंने उसको शूट भी किया है, शूट करके रखा है। तो वो चीज भी देखिए मुझे पता नहीं था। हालांकि मैंने बाद में डायरेक्टर को लेटर भी लिखा किया कार्टून के बारे में कि आपने बिना परमिशन के आपने यूज किया है तो ठीक है। क्योंकि हम टीचर हैं मैं तो यही मान के खुश हो गया कि चलो ठीक है मेरा काम इतनी बड़ी बॉलीवुड की इतनी बड़ी पिक्चर में यूज हुआ है। तो देखिए फिर मैं वहां पलट के आ रहा हूं कि उस बच्चे की छोड़िए उस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्टर हैं उस डायरेक्टर को उस कार्टून में कुछ चीज तो नजर आई है ना। ठीक है कुछ कार्टून चीज तो वो चीज जो है ना हम जब क्लास में भी डिलीवर कर रहे होते हैं कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं चाहे वो क्लास 1 हो या क्लास 12 क्लास हो है ना तो हमारे जो कंटेंट की डिलीवरी में वो इंटरेस्ट या वो कहना चीज स्वाद आना चाहिए। वो स्वाद या वो टेस्ट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है लर्निंग टीचिंग लर्निंग में वो टेस्ट कहीं मिस हो रहा है। और इस टेस्ट को और रिच करने के लिए है ना लेविश करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ अगर क्रिएटिविटी इन्फ्यूज हो जाए तो मान के चलिए कि हमारी टीचिंग लर्निंग का जो टेस्ट ही बदल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आईसीटी की बात करें तो आईसीटी से क्या बदलाव मुमकिन हुआ है या किस तरीके से पोटेंशियल जो है इसमें? आईसीटी में बहुत पोटेंशियल है। हम जब माइक्रोसॉफ्ट के बैनर पे मैंने जब दो कंट्री विजिट किया उस समय टूल्स की जब बात करता हूँ तो टूल्स बहुत सिंपल थे, बहुत ही सिंपल मैंने कहना चाहिए लगता है कि प्रिमिटिव लेवल के टूल्स थे वो समय। अब जो है टूल्स जो है आईसीटी के स्फीयर में जो टूल्स आ रहे हैं वो बहुत ही हैंडी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्रिएटिव है ना। तो मैंने बताया ना कि पीपीटी से दुनिया कहीं और दूर जा चुकी है, बहुत काफी दूर जा चुकी है। और इस दुनिया को हमारे टीचर साथी ने हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने इस पेंडेमिक में करीब से जांचा, करीब से देखा और अब उसको उसी उपयोग करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। मैं अपने टीचर जो फ्रेंड्स हैं हमारे शिक्षक साथी हैं उनको मैं बोलूंगा कि देखिए पीपीटी का यूज अच्छी बात है मगर पीपीटी से के को छोड़कर छोड़िए मत, पीपीटी के साथ साथ आप दूसरे भी आप जैसे पीपीटी में जो चीजें टूल्स हैं जो बिहेवियर है माइंड मैप के बहुत सारे टूल्स हैं है ना। माइंड मैप के इतने सारे टूल्स हैं कि पीपीटी से आप अच्छा प्रेजेंटेशन माइंड मैपिंग या माइंड कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग के ढेर सारे टूल्स हैं। मैं किसी एक टूल की बात एक्स माइंड एक बहुत बढ़िया टूल है तो एक्स माइंड मैं एक नाम ले रहा हूँ ढेर सारे टूल है ना। तो एक्स माइंड जैसे आप टूल लेकर आप बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जैसे पीपीटी में आपने कंटेंट आपने प्लेस किया हर एक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए एक एक पेज ले रहे हैं आप
जबकि आपके एक्स माइंड में एक ही सिंगल पेज पे आप 100 पेज के बराबर जो है आप इंफॉर्मेशन या आप कंटेंट प्लेस कर सकते हैं, है ना। गूगल आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल के मैं कल जब मैं ऐप देख रहा था तो देखिए मैंने गूगल बोला तो मेरे मोबाइल ने इसका जो है उसको साउंड सुन लिया, मैंने इसको ऑफ कर दिया। देखिए ये अभी मैंने गूगल, मैंने बोला नहीं कि ये गूगल ऑन हो गया। तो गूगल के टीचिंग लर्निंग के लिए लगभग जो है मुझे लगता है कि 15 से 20 लगभग ऐप हैं गूगल के हैं, एंड दैट टू ऑल द टूल्स आर जनरली फ्री। आप फ्री, पूरे फ्री हैं, कुछ पेड थे वो भी पेंडेमिक में फ्री कर दिए गए, है ना। तो गूगल के हमारे जितने भी टीचर्स जो साथी हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं कहूंगा कि गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं, बड़े हैंडी हैं, बड़े सुंदर हैं, आप उनको अपनी टीचिंग लर्निंग में उपयोग करें। गूगल से हटकर देखिए एक दूसरा और एक प्लेटफॉर्म है, एडोबी है। मैं 15 साल पहले एडोबी को मैं फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर और एडोबी के साथ 15 से 20 साल पहले से काम कर रहा हूँ। जितना भी मेरा काम है उसी पे काम चल रहा है। जब फोटोशॉप को 5 हुआ करता था, अब तो फोटोशॉप के बहुत बड़े एडवांस वर्जन आ गए हैं। तो मैं वहां से देखता हूँ तो एडोबी जो कंपनी है टीचर्स के लिए फॉरेन में ये प्रोग्राम चला रहे थे, मगर अब जो है इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने बहुत पहले से टीचिंग लर्निंग पे काम शुरू किया है। उसके बाद गूगल ने ढेर सारे ऐप लॉन्च कर दिए हैं। उसके बाद अभी जो है इंडिया में एडोबी भी स्टार्ट कर दिया है, और एडोबी का एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है क्रिएटिव एडुकेटर, एडोबी क्रिएटिव एडुकेटर्स, यस एडोबी क्रिएटिव एडुकेटर्स एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम पे एडोबी के भी टूल लगभग उन्होंने मान के चलिए मोबाइल टूल आप सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे भी उसके जो एडोबी के जो टूल्स हैं बहुत सारे टूल्स हैं, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कैरेक्टर एनिमेशन है, फ्लैश हुआ करता था एनिमेशन, 2D एनिमेशन के लिए, तो उन्होंने फ्लैश को फिर से रीडिजाइन किया है और उसको काफी एडवांस कर दिया है, काफी सिंपल कर दिया है। तो उस टूल का नाम अभी कर दिया उन्होंने एनिमेट कर दिया है, एडोबी एनिमेट कर दिया है, है ना। स्पार्क है, एक्रोबेट है, कितने सारे टूल्स हैं। टीचर अगर इन सब चीजों को उपयोग कर ले तो मुझे लगता है कि टीचर का काम आधा हो जाएगा, लर्निंग ईजी हो जाएगी, बच्चा बहुत ही एफर्टलेसली सब चीजों को सीख सकता है। ये की पोटेंशियल है उसका ऑप्टिमम यूज किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सर ने बहुत सारे आपके शिक्षा और टेक्नोलॉजी की बात करी, अगर हम ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर थोड़ी बात करें कि अभी हमने सारे रिजल्ट्स या फिर जो कुछ भी आपकी उपलब्धियां हैं उन पर बात करी, लेकिन हर टीचर की लाइफ में चैलेंजेस तो जरूर होते हैं, तो उन चैलेंजेस वो चैलेंजेस क्या थे और क्या मोटिवेशन रहा कि जैसे ही आप लीक से हटकर जैसे ही काम शुरू करेंगे, आप कैसे काम शुरू करेंगे किसी भी क्षेत्र में, अगर जैसे ही लीक से हटकर आप काम करना शुरू करेंगे तो वहीं से आपकी चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है बिना चैलेंज के मजा भी नहीं, आपके पास जब तक चैलेंज नहीं आएंगे तब तक आपकी लर्निंग और आप में जो कहना चाहिए पोटेंशियल आपका वहां जो धीमे धीमे डाउन जाएगा। चैलेंजेस होना अच्छी बात है, तो वो चैलेंज आप बहुत पॉजिटिवली लीजिए और उन चैलेंज को भी रखिए। जब तक आप शायद अबुल कलाम साहब का एक कोट है, इफ यू वुड लाइक टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन, आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जलना पड़ेगा। मैंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि चूंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो भी जितना दे सकती है गवर्नमेंट वो बेटर दे डेफिनेटली हम लोग। मैं अमेरिका जब अभी होके आया तो उनके क्लासरूम और उनके स्कूल को देखकर लगता है कि हमें अभी उस स्तर पे पहुंचने में हमारे स्कूलों को बहुत टाइम लगेगा, हमारे क्लासरूम को। जिस क्लासरूम में मैं करीब 2 महीने जिस क्लासरूम में गया, जिस स्कूल में गया, तो उनके पास सुविधाएं बहुत है। हम जिन चीजों की क्लासरूम में कभी कभार बात करते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बच्चे उनको छू कर देखते हैं, उनको हैंडल करके देखते हैं,
ये बड़ा अंतर है। तो सुविधाएं उनके पास बहुत है, मगर फिर भी हमारी टीचिंग लर्निंग में थोड़ा सा अगर टीचर्स को टेक्नोलॉजी की सुविधाएं मिल जाए, हमारे टीचर के पास जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ दुनिया के मुझे लगता है कि किसी टीचर के पास नहीं होगा। स्ट्रेंथ बहुत है हमारे टीचर्स के पास, बस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो हमारी कंट्री के टीचर किसी से कम नहीं है और हमारे बच्चे जो है वो भी किसी से कम नहीं है। दुनिया के सारे बच्चों से मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और टीचर हमारे यहाँ सबसे अच्छे हैं। आपने सुना भी होगा कि हमारे टीचर अमेरिका में छाए हुए हैं, सारे देशों में हम इंडिया के टीचर छाए हुए हैं, इसका मतलब स्ट्रेंथ तो है। तो मैंने अपनी अगर बात करूं तो स्कूल से जितना मिला, मगर मैंने लगभग, मैं तो आपको एक शेयर करता हूं कि मैंने लोन लेकर, एक जमाना था मुझे सन याद नहीं आ रहा, लगभग 15 साल पहले की बात है कि मैंने लगभग 90,000-80,000 का एक लैपटॉप खरीदा था और मैंने लोन लिया था उसपे। और उस समय मैं सीख रहा था आपके माया और मैक्स, जो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं, और फोटोशॉप। और वो लैपटॉप जो है एचपी का लैपटॉप था, मुझे अच्छे से बताया, मुझे कॉन्फ़िगरेशन जो चाहिए था वो आप भी जानते हैं कि 3D और मैक्स, माया मैक्स और फोटोशॉप जो है सिंपल सॉफ्टवेयर पे रन नहीं होते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने जब मैंने दिल्ली में पूछा, तो दिल्ली में मेरा जो ब्रदर इन लॉ था संकोच कर रहे हैं, तो उनको मैंने बोला कि यार ये मुझे चाहिए, तो बोला कि जिया जी ये तो यहाँ सब मिलेगा ही नहीं। मैंने पता किया एचपी स्टोर से, बोला कि उन्होंने बोला कि चाइना से मंगा के देना पड़ेगा। तो मैंने उस लैपटॉप पे अपने खुद का पैसा खर्च करके आज तक भी बहुत सारी चीजें ये आज की तारीख में ये जो बैकॉम का जो पेन टेबलेट है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पेन टेबलेट, इस पे सारी मैं पूरी विदेश यात्राएं इसी मैंने बैठ के किया है। ये वेकॉम का पेन टेबलेट और ये सारी विदेश यात्राएं मेरी इसी पर चढ़कर हुई है, प्लेन पर नहीं, इसी में बैठ के मैं घूमा हूँ, है ना। तो ये चीज अब देखिए कि इस पेंडेमिक में इस चीज का उपयोग खूब जम के हो रहा है। अभी सब हम लोग जान गए वेकॉम पेन टेबलेट। मैंने इस पेन टेबलेट का, ये दूसरा पेन टेबलेट है, एक पेन टेबलेट मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है। मैंने इसका यूज लगभग, इसको भी मुझे 10 साल करीब होता आ रहा है, लगता है। ये सारी की सारी चीजें खुद के खर्च पे मैंने खरीदी है। स्वाभाविक स्कूल से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट टीचर को इतना नहीं दे सकती है, पर मुझे लगता है कि हमें जब पेमेंट मिलती है तो जैसा हमारी मेथोलॉजी में कहा गया है कि हमारी जो पेमेंट है, हमारी जो अर्निंग है, वो पूरी आपकी नहीं, कुछ उस पे आपके मदर फादर का भी हक है, कुछ आपके भाइयों का हक है, है ना, कुछ आपकी सोसाइटी का हक है, और कुछ अगर है तो डेफिनेटली आपके बच्चों का, आपके स्कूल का भी हक होगा, सोसाइटी उसी में आता है। तो मुझे लगता है ठीक है, मुझ में शायद एक जुनून था, पागलपन था, उस वजह से मैंने ऐसा किया है। मुझे पता नहीं कि मैंने ये ठीक किया है कि नहीं किया है, हो सकता है मेरे कुछ शिक्षक साथी इससे एग्री ना करते हों। अगर हम आपकी उपलब्धियों की बात करें तो जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रही थी, राष्ट्रपति से आपको अवार्ड मिल चुका है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपने इतना प्रतिनिधित्व किया है, इंटरनेशनल टूर्स हुए हैं, तो अगर आपकी उपलब्धियों की हम बात करें तो वो कौन कौन से अवार्ड्स है या ऐसे मंच है? मुझे नेशनल अवार्ड की मैं बात करूँ तो नेशनल अवार्ड में एक कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा फेमस नेशनल अवार्ड है, पियर्सन अवार्ड, वो भी पियर्सन नेशनल अवार्ड। उसके बाद में इंडिया डायडेटिक्स का जो दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता है, आप जानती हैं, वहाँ भी मैंने बड़े जो एक इंडिया डायडेटिक्स का प्रगति मैदान में प्रोग्राम होता है, हर साल वो चेंज करते हैं, तो उसमें भी मैंने एज ए गेस्ट स्पीकर, मुझे उन्हें इनवाइट किया था, वो भी बड़े कनेक्ट नेशनल एक्सपोजर के बराबर था। मेरे साथ तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे पंत साहब, नागार्जुन थे जिन्होंने सबसे सस्ता लैपटॉप बनाया इंडिया में, एनसीईआरटी के सीआईटी के डायरेक्टर थे, और एक बड़े और शख्स से कोई, उनके साथ मैं था, तो मैं एक टीचर था, मैं तो डर रहा था, पर उस बड़े प्लेटफॉर्म से मैंने जब वो डिलीवर किया था, वो भी एक बड़े नेशनल अवार्ड से कम नहीं है। उसके अलावा आईडा नेशनल अवार्ड है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति है उनसे मुझे 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उन्होंने दिया। पहली बार जब मैं ब्राजील से होकर आया था तो नेशनल ICT अवार्ड मुझे मिला था, पहला अवार्ड था। उस समय हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी थे,
पहला अवार्ड इंडिया ने अनाउंस किया था और पहली बार ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसकी उसके बेस पे फिर दूसरी साल दो साल बाद मुझे जो हमारे भारत में सबसे जो प्रीमियर अवार्ड है टीचिंग के लिए क्षेत्र में नेशनल टीचर अवार्ड वो मुझे मिला। और उन दोनों अवार्ड के समय हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति थे जो नहीं रहे प्रणव दा उन्हीं से मुझे मिला था। उसके अलावा मुझे और भी दो चार पांच ऐसे नेशनल अवार्ड हैं हैं करीब मुझे मैंने गिना था एक बार तो शायद काउंटिंग में शायद सात या आठ नेशनल अवार्ड्स हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर में मैं जापान 1997 में गया था एक फिनिशिंग प्रोग्राम में और उसमें सिलेक्शन की वजह भी मेरा जो है टीचिंग थी या कहना चाहिए बेसिकली जहां से स्टार्ट सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। तो मेरे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे उन्होंने केवल इसी बेस पे कि ये टीचर बहुत क्रिएटिव है हाईली क्रिएटिव है साइंस टीचर होने के बाद भी इतना क्रिएटिव कैसे कोई हो सकता है वहां से उन्होंने मेरा मुझे नहीं बताया था मगर वहां उन्होंने नॉमिनेट किया। वहां से सिलेक्ट होते होते मैं जापान गया जापान के बाद ब्राजील ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका ब्राजील में सालवाडोर में गया था उसी इंटरनेशनल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद में बड़ी चीज बताऊं आपको मैं कि ब्राजील में एज ए नेशनल विनर में जब गया था वहां माइक्रोसॉफ्ट के बैनर पे तो ब्राजील में मुझे सक्सेस नहीं मिला था इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में मुझे सक्सेस नहीं मिला था मगर मैं जान गया था कि मेरी कमियां क्या। नेक्स्ट ईयर फिर माइक्रोसॉफ्ट ने वही प्रोग्राम कंटेस्ट करवाया इंडिया में मैंने फिर पार्टिसिपेट किया फिर सिलेक्ट हुआ नेशनल विनर। और उन्होंने जब हमको केपटाउन ले गया साउथ अफ्रीका तो उस समय मुझे मेरी कमियां पता चल गई थी कि मैं कहां कहां मेरे प्रोजेक्ट में कमी थी। वही सेम प्रोजेक्ट था कार्टून वाला जो प्रोजेक्ट था कार्टून सिटी में। तो जब उन्होंने वहां 178 देश थे और जिस कैटेगरी में मेरी जो एंट्री थी वो कंटेंट कैटेगरी था उसमें शायद 85 देश के आसपास कॉन्टेस्टेंट थे 85 मतलब ग्लोबली जो टॉप लेवल के कंटेंट कंटेस्टेंट थे कंटेंट कैटेगरी। तो उसमें मैं पहले तो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं मैं सेमीफाइनलिस्ट हुआ और सेमीफाइनलिस्ट होना भी किसी इंटरनेशनल इनोवेटिव समिट में पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है। पार्टिसिपेशन के बाद सेमीफाइनलिस्ट हुआ तो मैं सेमीफाइनलिस्ट होने के बाद हम लोग हमारी टीम जो थी माइक्रोसॉफ्ट की टीम पे हम थे माइक्रोसॉफ्ट की पूरी इंडिया की टीम थी और उन्होंने बोला कि बिसेन सेमीफाइनलिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात है तुम खुशी मनाओ। बोले आप फाइनलिस्ट हो गए कि नहीं हो गए हमको मतलब नहीं उससे पर सेमीफाइनलिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात है। जो फाइनलिस्ट का एक वो गाला डिनर उस प्रोग्राम का नाम होता है तो उसमें दुनिया भर के बड़े कहना चाहिए चुने हुए एजुकेशनिस्ट थे टीचर्स थे और माइक्रोसॉफ्ट की पूरी हाई लेवल की टीम थी उसमें एंटोनियो एक बड़े ऑफिसर है मैं नाम बोल रहा हूँ वो भी थे। तो टॉप लेवल की माइक्रोसॉफ्ट की टीम थी पूरी वहां और वहां फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस होना था। आप अगर मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो वो वीडियो है। तो उन्होंने जब फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस करना शुरू किया तो हमने मान लिया था कि हम जस्ट अपना डिनर कर रहे थे कि चलो भाई हम तो सेमीफाइनलिस्ट हो गए। जब उन्होंने वहां फाइनलिस्ट का जब लिस्ट उन्होंने अनाउंस किया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे मेरा नाम जब था तो सब लोग हमारी पूरी टीम जो है चल गई वहां है ना। तो फाइनलिस्ट में फिर सेमीफाइनलिस्ट में से एक जो है विनर चुना जाना था उसमें शायद मलेशिया की कोई एक टीचर सिलेक्ट हुई थी पर किसी एक इंटरनेशनल समिट में इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में जो कि इन पर्सन हो रहा है वर्चुअल नहीं हो रहा है उसमें आपका कंटेंट अगर दुनिया के 78 देशों में टॉप 3 में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है टीचर के लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर अभी मैं उसी ऐड कर देता हूँ कि एक गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की एक बड़ी विश्व प्रसिद्ध स्कॉलरशिप है फुलब्राइट आपने नाम सुना होगा और आप जैसे यंग लोग यंगस्टर्स के लिए तो फुलब्राइट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो फुलब्राइट अभी पिछले बार मैं जनवरी में सिलेक्ट हुआ फुलब्राइट के लिए वो भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन से सिलेक्ट होते हैं 6 महीने 5 महीने की उसकी का बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है 2 महीने की 6 महीने की 2 साल पीएचडी पोस्ट डॉक ये सब चीजें होता है। तो मैं उसमें सिलेक्ट होके इसी मेरे इनोवेशन को मैंने वहां ले गया उसी के बेस पे सिलेक्ट हुआ था मैं। करीब 4 लेवल की स्क्रीनिंग होती है भगवान की दया से और सभी की शुभकामनाओं से चारों लेयर में क्लियर करके अमेरिका हो गया है।
और अच्छा काम किया, बहुत सारी चीजें वहां की भी जुड़ी हुई है, अगर आप आगे बात पूछेंगे तो बताऊंगा। तो आपका पूरा एक्सपीरियंस और जर्नी जो रही है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर आप शिक्षकों की बात करें तो जो शिक्षक आपको सुन रहे हैं उनको अगर आप कुछ एक संदेश देना चाहें तो ये वो समय है। संदेश सबसे बढ़िया और सबसे उचित संदेश तो यही है कि देखें, फिर हम अपने इंटरव्यू के बिल्कुल शुरुआत की बात लाते हैं कि चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस को अगर आपके आपके पास चैलेंजेस नहीं है तो इनवाइट करिए। चैलेंजेस अगर नहीं है तो इनवाइट करिए कि आओ हमारे साथ रहो। और यस ठीक है, तो चैलेंजेस रहेंगे और उन चैलेंजेस के साथ साथ चूंकि देखिए हम एक टीचिंग जॉब एक ऐसा नोबल जॉब है कि किसी ने कहा है ना कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक प्रोफेशन को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर टीचर प्रोफेशन की अगर बात करें, अगर आ गए हैं तो फिर टीचर प्रोफेशन में टीचर बन कर रही है। एक बोलते हैं कि अगर एक डॉक्टर अगर गलती करता है तो हो सकता है कि एक मरीज मरेगा या दो मरीज मर जाएंगे या तीन मर जाएंगे। एक सिविल इंजीनियर जो ब्रिज बनाता है उसकी गलती से अगर वो पुल टूटता है तो हो सकता है कि एक बस गिर जाएगी और उसमें 50 लोग मर जाएंगे, 50 लोग खत्म हो जाएंगे। मगर एक टीचर अगर गलती करता है तो पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। तो देखिए कि टीचर का रोल बहुत ही सेंसिटिव है। दुख होता है कई कई बार जब सुनने में कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं टीचर बन गया, तो अगर आ ही गए हैं तो फिर अच्छे से ही आ जाए और चैलेंजेस को लें। और ये ऐसा दौर है, इस दौर में खासकर के पेंडेमिक में अपने आप को जैसे बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए, रियली आपदा में ढेर सारे अवसर, बस ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है, हम कैसे देखते हैं उन सब चीजों को। अगर आप टीचर हैं, यस आप अगर टीचर हैं तो बहुत सारी फ्री वेब एप्स हैं उनको यूज करिए, अपने आइडियाज को लंबी अगर उड़ान देनी है तो आप एप्स को यूज करिए, बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं उनको यूज करिए, आपकी टीचिंग इजी हो जाएगी, आपका एफर्ट कम हो जाएगा और आउटकम ज्यादा हो जाएगा। आउटकम के लिए हम लोग हर समय एंटेंगल्ड होते हैं, आउटकम बढ़ाने के लिए आप इन सब चीजों को डिजिटल टूल्स को आप यूज करिए। पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री है, हाथ आपके हाथ में मोबाइल है तो आप अभी आज की तारीख में तो आपके हाथ में भी मोबाइल है और बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है ना। तो इस दौर का फायदा उठाइए और इस दौर में अपने आप को अपडेट भी करिए, अपडेट करने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत बहुत सही मैसेज दिया है और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो टेक्नोशाला में हम ऐसा करते हैं कि आपके साथ भी कई ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ किया है, तो अगर आप किसी दो या तीन या चार या पांच टीचर को अगर आप नॉमिनेट करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे टीचर मेरे साथ में है। एक टीचर है उत्तराखंड के हैं, बड़ौनी सर है, फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट टीचर हैं वो है। दूसरे एक हमारे आचार्य जी हैं, आर्य सर हैं, सतीश कुमार आर्य जो हैं, ये आपके राजस्थान से हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मगर वो रिटायर्ड लगते नहीं क्योंकि अब तक भी एक्टिव हैं वो, आप उनको बुलाइए, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल वो रिटायर हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत सारी एक्टिव कमेटी अभी भी कमेटी में एक्टिव मेंबर है वो, जो एजुकेशन पॉलिसीज और आईसीटी में खास करके काम करते हैं कर रहे हैं। उसके अलावा एक मेरे बहुत सभी क्लोज इमरान खान, जो प्रधानमंत्री जी ने जिनका नाम लिया था फ्रांस के एक समिट में, इमरान खान है जो ऐप पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक राघवेंद्र राव है एक विजयनगरम से, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड है, मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड है, अगर आप अलग से भी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बहुत सारे नाम बता दूंगा आपको। और हम आशा करते हैं कि हमारे पूरे सभी शिक्षक जो देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे इस इंटरव्यू से। और जी सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि चूंकि कंटिन्यूसली मेरा शायद अभी फर्स्ट साइड इनिंग जो है मेरी, फर्स्ट इनिंग गेम की इनिंग, तो इनिंग के बाद इनिंग चलते रहती, मेरी एक इनिंग अभी कुछ साल में
रुकेगी कुछ समय के लिए, पॉज आएगा करीब 4-5 साल बाद जो है, मैं रुकने वाला हूँ नहीं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ चलने वाला है। तो मेरा पूरा टाइम केवल साइंस टीचिंग के लिए नहीं, टोटल टीचिंग फील्ड में कुछ आप बोल सकते हैं कि ऐड करने के लिए बहुत सारी चीजें मैं अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करता हूँ, वो किसी एक सब्जेक्ट या किसी उस स्कूल एजुकेशन के लिए यूजफुल है। वो अगर सब टीचर जो भी सुन रहे हैं ऐड होना चाहे तो मैं फेसबुक का जो मेरा ट्विटर हैंडल ट्विटर फेसबुक का जो अकाउंट है वो संतोष कुमार बिसेन के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल देंगे इन सभी की, तो ठीक है ना, तो उन सब चीजों को यूज करें। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा फिर से एक चीज ऐड करना, हमारे जो बड़ौनी सर हैं जिनके नाम ले रहा था मैं, उनकी मिसेज भी वो लेक्चरर हैं, इंग्लिश की लेक्चरर हैं उत्तराखंड में, एक टफ स्टेशन में काम करते हैं। उनका एक छोटा सा मैं एग्जांपल फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक कार्टून क्रिएट किया था, वो एक कॉन्सेप्ट आर्ट था, ये मोबाइल का जो आपने पूछा था ना कि मोबाइल का जो क्या या टेक्नोलॉजी क्या नुकसान है, उस पे मैंने एक छोटा सा कार्टून क्रिएट किया था, आपके मेरे फेसबुक पे मिल जाएगा आपको देखने में। तो उन्होंने क्या किया कि उनके स्कूल में चूंकि स्टेट स्कूल है, तो उन्होंने बोला कि मेरी मिसेस परेशान थी कि बच्चे क्लास में सब पीछे मोबाइल चलाते थे और ये कुछ नहीं कर सकती थी, मोबाइल लेके आते थे, मैडम पढ़ा रही है और बच्चे जो है आराम से मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल का यू डांटने के बाद समझाने के बाद भी कभी उन्होंने बंद नहीं किया। मैंने एक जो मोबाइल के बारे में उसके मिसयूज के बारे में या उसके नुकसान के बारे में छोटा सा कहना चाहिए एडिटोरियल कार्टून मैंने क्रिएट करके पोस्ट किया था, उन्होंने क्या किया कि सर मुझे वो चीज बताई, उन्होंने गूगल फॉर्म या किसी एक दूसरे टूल का यूज करके उन्होंने बोला कि बच्चों ये एक पिक्चर है और इस पर तुमको ऐसे लिखना है। तो उन्होंने बच्चों ने ऐसे भी लिखा और उन्होंने बोला कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी क्लास में मोबाइल लाने वाले बच्चे 10% भी नहीं रह गए, केवल एक विजुअल के की का इतना इम्पैक्ट था कि बोला कि 10-15% भी बच्चे मोबाइल ला रहे हैं, वो भी शायद लाना बंद कर देंगे केवल आपके एक विजुअल की वजह से। तो देखिए वही है क्रिएटिविटी और इनोवेटिव, जो दो शब्द हैं हम लोग बड़े धड़ल्ले से उपयोग कर लेते हैं, मगर इन सब चीजों का उपयोग करने के लिए ग्राउंड लेवल पे इसका को उतारने के लिए टीचर को मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग बिल्कुल सर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके जितने भी इनोवेशन उनसे आप सीख सकते हैं, और सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, फेसबुक ट्विटर की लिंक है। और बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, धन्यवाद। तो ये थे संतोष कुमार बिसेन जी, हम आशा करते हैं कि आज की डिजिटल टीचर की कहानी में आपने ज़रूर कुछ बहुत नई चीज़ें जानी होंगी, और बिल्कुल संतोष कुमार जी की कहानी है और जो उनका उत्साह है इनोवेशंस करने का, नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाने का या डिजिटल कार्टूनिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा रोचक रचनात्मक है, और हम आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप बता सकते हैं, लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप इनसे फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं और इनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।